पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के ग्राम ढका जमीमा पूरनपुर में जहीरन बेगम की सरकारी दुकान पर किया जा रहा मुफ्त राशन वितरण, जहां पर बहुत ही सावधानी बरती जा रही है और वह एक एक मीटर की दूरी पर बने गोले, जिसमें कार्डधारक गोले में खड़े होकर बाल्टी में पानी भरा साबुन भी रखा है और कोटेदार का कहना है कि गल्ला लेने से पहले अपने हाथ साबुन से धुले व सैनिटाइज करें। गांव वालों से पता किया गया कि आपको गल्ला लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, तो लोगों ने बताया कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रति यूनिट 5 किलो गल्ला मिल रहा है। वैसा आपका नाम क्या है? साबिर अली। ये दुकान किस नाम से चल रही है? जहीरन बेगम। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग बगैर मास्क के आ रहे हैं, क्या बाकी उन्हें गल्ला नहीं दे रहे? नहीं, उन्हें कोई गल्ला नहीं दिया जाता है। अच्छा, सैनिटाइजर और ये सब व्यवस्था आपके पास है? बिल्कुल, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है और जो आदमी बिना मास्क के आता है उसे गल्ला नहीं देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है, 2-2 मीटर की दूरी पर खड़ा करते हैं आदमी को। ये गल्ला फ्री दे रहे हैं या नहीं? फ्री में वितरण किया जाता है। भाई क्या नाम है आपका? जाबिर। मैं ये कह रहा हूँ ये गल्ला आपको फ्री मिल रहा है? हाँ, फ्री। कितने यूनिट है आपके? 6। कितना गल्ला मिल रहा है? 30 किलो। कम तो नहीं मिल रहा है ना? आपका नाम क्या है सर? मुजाहिद अली। आप यहाँ कोटे पे गल्ला लेने आए, गल्ला आपको फ्री मिलता है? हाँ जी। कितने यूनिट है आपके? कितना गल्ला मिलता है? 25 किलो। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। भैया आपके कितने यूनिट है? 5। कितना गल्ला मिल रहा है आपको? 25 किलो। अच्छा, ये गल्ला आपको फ्री मिल रहा है? बिल्कुल फ्री मिल रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर के मटेना कॉलोनी नंबर 4 टाइगर रिजर्व के करीब में हरे भरे पेड़ों को काटने का धंधा बड़े जोरों से चल रहा है। ठेकेदार नेताजी जो अपने इस नाम से फेमस हैं, सूत्रों के हवाले मिली जानकारी, कुछ दिन पहले काटे हरे भरे आम के पेड़, आज काटे शीशम के बड़े पेड़। बड़े हौसले से 4-व्हीलर पर लाद कर ऊपर से पीला त्रिपाल डालकर लकड़ी निकालने का काम करते हैं। सामाजिक वन की एरिया के अधिकारी कर्मचारी मौन साधने का काम करते हैं। जस्ट टाइगर रिजर्व के थोड़ी ही दूर का मामला बताया जा रहा है। दो छोड़ दो, बाकी भरो यार। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।